नमस्ते दोस्तों, मैं सुमिला रावत फैमिली एंड किचन गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से अपने बगीचे में आ रखी हूँ और इस टाइम पे है, देखिए मौसम कैसा हो रखा है इस टाइम। देखिए सुबह से ही आज मौसम ऐसा है और मैं इस टाइम पे आ रखी हूँ, शाम के 5 बज रहे हैं इस टाइम पे, तो इस टाइम भी मौसम ऐसा ही बना हुआ है कि शाम के टाइम पे तो ऐसे बनता ही है, परंतु तो सुबह से ही आज मौसम इस तरीके का हो रखा है। और कल बहुत तेज़ धूप हुई थी, तो कभी धूप और कभी जो ये छाया है, यानी कि ठंड का मौसम बना हुआ है, बिल्कुल भी गर्माइश नहीं है। और एक दिन धूप तेज आती है और एक दिन नहीं आती। मैं आपको आज की छोटी सी वीडियो बना रही हूँ, जब पौधों के ऊपर ही बनाऊंगी बस, कि किस तरीके के हमारे पौधे अपनी ठंड और गर्म दोनों चीज़ को झेलते हैं। इस टाइम पे जब धूप आती है तो पौधों के मुँह में रौनक से आ जाती है, जैसे हमारे चेहरे में रौनक आ जाती है धूप के आने से, कि गर्माइश आज गर्म है, अच्छा मौसम हो रखा है। हम अपने मुँह से बताते हैं सबको कि आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और आज मौसम में गर्माइश है। तो वैसे ही हमारे ये पौधे, इनके चेहरा देख के अपने अपने हम गार्डन में आते हैं तो इनके जो चेहरे जो है, इनका हमारे पौधों में जो रौनक दिखती है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है जब धूप निकलती है, और धूप में ये एकदम खिले खिले से रहते हैं। तो इनके चेहरे से या इनके पौधों से, हमारे देखने से ही हमें पता चल जाता है कि आज हमारे पौधे बहुत खुश हैं। तो मैं आज यही बता रही हूँ कि देखो आज छाया है और आज बिल्कुल भी धूप में बिल्कुल अपना सूरज भगवान जी बिल्कुल नहीं निकले, उन्होंने बिल्कुल अपना दर्शन नहीं दिया सूरज भगवान जी ने। तो फिर हमारे पौधों की हालत देखिए किस तरीके से हो रखे हैं, थोड़ा सुस्त पड़े हुए हैं, मुरझा से रखे हैं। देखिए कोई रौनक नहीं है चेहरे में, इस तरीके से लगता है कि जैसे बंद कमरे में हमारे अपने पौधों को रख दिया हो, जैसे बंद कमरे में कहीं से सांस वांस नहीं लेनी नहीं आती, कहीं से हवा पानी नहीं आता, तो पौधों के एकदम डल हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम मुरझा से जाते हैं। वैसे ही आज के दिन मेरे पौधे फिर से हो रखे हैं। कल का दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई, पर कल मुझे बहुत खुशी थी कि मेरे पौधे बहुत खुश थे। धूप बहुत तेज़ थी, हमको भी अच्छा लगा, धूप तेज़ थी, धूप की वजह से गर्माइश थी मौसम में, तो आज तो बहुत ठंड है, हवा भी बहुत चल रही है। और देखिए पौधे देखिए किस तरीके से हो रखे हैं, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ, हाथी प्लांट है ये मेरा एलिफेंट लीव्स जिसको बोलते हैं, ये देखिए। तो इसके पत्ते जो एलिफेंट के जैसे चौड़े चौड़े पत्ते हुआ करते हैं, परंतु देखिए आज इस बारी इस ठंड की वजह से देखिए कितने पत्ते तो निकल रहे हैं इसमें, इनकी ग्रोथ बढ़ रही है, हो रही है ग्रोथ, तो पत्तों की ग्रोथ तो हो रही है, परंतु पत्तों के जो साइज़ है ना एकदम छोटा छोटा हो गया। देखिए ये पत्तों का साइज़ ऐसा होगा जैसे पान के पत्ते होते हैं ना छोटे छोटे, वैसे ही हो गए। नहीं तो इसका जैसे हाथी प्लांट है ये, हाथी ईयर प्लांट, तो हाथी के जैसे कान, इतने जैसे हाथी के कान होते हैं ना इतने बड़े बड़े, वैसे ही इनके पत्ते भी होते हैं। और ठंड के मारे देखिए इनके पत्ते किस तरीके से हो रखे हैं। वहीं पे मैं अपना सिंगोनियम दिखाती हूँ, देखिए किस तरीके से डल हो रखा है, ये देखिए। तो ठंड की वजह से सब पौधे की हालत बहुत ख़राब है, बजाय ये हमें बताते नहीं है, परंतु इनकी हालत देख के हमें पता चल जाता है कि देखिए इनकी कंडीशन किस तरीके से हो रखे हैं। सारे पौधे इसी तरीके से हो रखे हैं। और जो मेरे को ये मैंने फ्रूट वो वेजिटेबल वाले मैंने अपने पौधे लगा रखे हैं, तो उनमें भी कोई ग्रोथ नहीं है। देखिए फूल निकल रखे हैं मेरे, ये देखिए फूल तो निकले हुए हैं, परंतु ये फल बनाने में अभी पाले की वजह से और ठंड की वजह से नहीं बना पा रहे हैं। देखिए फूल निकल रखे हैं, और अपने इतनी ठंड है ना, मैं बता नहीं सकती, इस बारी बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ी है। जैसे शुरू शुरू में हम कह रहे थे कि इस बारी ठंड नहीं हो रही है, तो इस बारी ठंड बाद में जो ठंड पड़ी है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त ठंड पड़ी है, और ठंड में हालत इतनी ख़राब जाती है कि हाथ पाँव बिल्कुल ठंडे ठंडे से रहते हैं। ये देखिए यहीं पर मैं आपको मनी प्लांट दिखाती हूँ, ये सिल्वर मनी प्लांट है, और देखिए इसकी कंडीशन भी कैसे हो रखी है, ये देखिए, और कोई नई ग्रोथ नहीं है इसमें, देखिए बल्कि जो पत्ते हैं वो भी ख़राब होते जा रहे हैं, ये देखिए बेजान से हो रखे हैं। तो जो ये है मनी प्लांट के, जितने भी हमारे मनी प्लांट है सबकी कंडीशन इस तरीके की ही ख़राब हो रखी है। यहीं पे हमारा सिंगोनियम चल रहा है, देखिए ये भी इस तरीके से ही है। देखिए आगे हम मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरे बैंगन के भी बहुत अच्छे अच्छे पौधे मेरे लगे हुए हैं, बिल्कुल हल्की हल्की ग्रोथ तो हो रही है, पर कोई फल, कोई इसमें सब्जी वब्जी, कोई बैंगन वैंगन कुछ नहीं आ रहा है। यहीं पे मेरा गुड़हल है, देखिए सारे पत्ते निकल चुके हैं सारे, ये देखिए पूरे। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए, थोड़ी धूप निकलना शुरू हो जाए, थोड़ी मौसम में गर्माहट हो, तो मेरे पौधे अच्छे हो जाए, ताकि जो कलियाँ भी बन रही है ना, वो कलियाँ भी खिलने लग जाएँ। देखिए ये कलियाँ बनती हैं पर ये खिलती नहीं है, ऐसे ही नीचे गिर जाती हैं,
ये देखिए यहीं पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मेरा चौड़े चौड़े पत्तों वाला मनी प्लांट है जिसकी कंडीशन देखिए कितनी ख़राब हो रखी है। दूर से ही मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए सारे पत्ते पीले पीले हो गए हैं, कोई इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। ये देखिए हाँ, ये वाला जो पौधा है मेरा, ये गुड़हल का जो बेल वाला गुड़हल है, उसमें मेरा देखिए फूल देखिए कितने सुंदर सुंदर निकले हैं। और ये जो बेल वाला गुड़हल होता है ना, ये खिलते नहीं है फूल, इसी तरीके से लाल लाल मिर्ची के जैसे, लाल मिर्ची की तरह ये नीचे की तरफ को लटके हुए रहते हैं। इसमें हमारी ग्रोथ हो रही है। बाकी सारे मेरे पौधे इस तरीके ही हैं। ये देखिए ये मेरा कड़ी पत्ता ऐसे लगता है जैसे सूख गया है पूरी तरीके से। यहाँ पे मेरा एक देखिए दूसरा है, ये देखिए कड़ी पत्ता ऐसी, इसकी भी देखिए यहीं पे, ये देखिए इनके पत्ते भी देखिए किस तरीके से ग्रोथ तो हो रही है। ये देखिए नए नए पत्ते इसमें आ रहे हैं। यहीं पे मैं आपको दिखाती हूँ मेरा कोलियस प्लांट है, ये देखिए तो इनकी देखिए, और इनकी मैंने अभी कटिंग करनी है, इसे यहाँ से मैं कटिंग कर दूँगी। मैं थोड़ा रुक रही हूँ ताकि अभी थोड़ी ठंड हो रही है, एक दिन धूप निकलती है और तीन चार दिन तक धूप नहीं निकलती, तो मैं भी रुकी हुई हूँ अभी, नहीं इनकी कटिंग कर रही हूँ। थोड़ी सी मौसम में थोड़ी गर्माइट आ जाएगी तो इसीलिए मैं इसमें अपने कोलियस के प्लांट भी रखे। सारे मेरे कोलियस के प्लांट ख़राब हो रखे हैं, देखिए बिल्कुल पत्ते एकदम निकल नहीं रहे, और निकल भी रहे ना छोटे छोटे साइज़ के पत्ते निकले हुए, देखिए इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, बढ़ नहीं रहे ये पत्ते। ये देखिए बहुत सारे मेरे यहाँ पे कोलियस रखा हुआ है के पौधे रखे हुए हैं, जो कि गर्मियों में हमारे ना बगीचे में फूलों का काम करते हैं। इनके पत्ते इस तरीके के कलरफुल होते हैं कि फूल भी इनके सामने ना फीके पड़ जाते हैं। अगर फूल उस टाइम पे निकलते हैं, इनके कलर पत्तों के कलर से ही पूरा गार्डन की रौनक हो जाती है। तो इस टाइम देखिए कितने इनकी कंडीशन ख़राब है। यहीं पर देखिए अभी अब मेरे ये खुद गेंदे के फूल अब खिलने लगे हैं, अब खिल रहे हैं बड़ी मुश्किल से बहुत टाइम बाद। और कुछ में तो कुछ पौधे मेरे देखिए कोई फूल ही नहीं खिल रहा है किसी में, तो ये देखिए। तो मैं यही दिखा रही हूँ कि अभी इस टाइम पे देखिए पौधों की कंडीशन। ये मेरा है पाम ट्री, ये देखिए पाम ट्री की भी ऐसे ही, ये देखिए बेजान से हो रखे हैं। देखिए ग्रोथ तो हो रही है पर बहुत स्लो स्लो ग्रोथ हो रही है, और जो ऊपर के पत्ते हैं ये देखिए किस तरीके से हो रखे हैं। यहीं पे मैं अपनी चंपा के पौधे का दिखाती हूँ आपको, देखिए मेरे पौधे किस तरीके से हो रखे हैं। ये देखिए इनके पत्ते, और ये देखिए ये तो पूरी, देखिए इसकी तो पूरी डंडी डंडी रह गई है और पत्ते सारे गिर चुके हैं। अब मुझे ये लगता कि कहीं सूख ना जाए, क्योंकि पत्ते तो एक भी नहीं है इसमें, सूखना नहीं चाहिए, थोड़े टाइम बाद इसमें दोबारा से पत्ते निकलने चाहिए। देखिए ऊपर से भी कैसे हो गया, तो इसे पौधे सूख जाते हैं ना तो बहुत दुख लगता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम इसकी कटिंग करके मैंने इसको बनाया है इतना बड़ा। देखिए कटिंग से तैयार हो रखा है मेरा ये पौधा भी, मेरा कटिंग से तैयार है ये देखिए, परंतु इन देखिए ग्रोथ देखिए कैसे हो रखी है। और ये मेरे कटिंग से मैंने लगाए हैं ये देखिए, पर ये यहाँ पे मेरे गुलाब की कटिंग जो है मेरी चल पड़ी है, देखिए ये कटिंग से तैयार हो रखे हैं मेरे। यहीं पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए मटके में मैंने लगाए थे तो लहसुन, और देखिए मेरी निकलने लग गई है लहसुन ये देखिए, और यहाँ पे मैंने लगाए थे प्याज, तो ये अच्छा ये मेरा ये ग्रोथ कर रहे हैं। परंतु यहाँ पे ये पालक दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए पालक के कितना टाइम पहले मैंने इसकी वीडियो बनाई थी ना, देखिए पालक के पत्ते अभी तक इतने के इतने ही हैं, जल्दी से नहीं बढ़ पा रहे, ठंड इतनी है, धूप चाहिए इनको, तो धूप तो मिल नहीं रही है, तो इसलिए इनकी ग्रोथ भी बहुत स्लो स्लो हो रही है। यहीं पर मैं अपना मनी प्लांट दिखाती हूँ, देखिए है देखिए कितने ऊपर से नीचे तक कितना सारा ये नीचे को लटका हुआ है ये देखिए, परंतु वही है ना कि देखिए बेजान से पत्ते हो रखे हैं, कोई जान ही नहीं है इनमें। ये सब है ठंड के कारण और पाले के कारण, ठंड जितनी ज़्यादा पड़ रही है पौधे उतने ज़्यादा ही ख़त्म होते चले जा रहे हैं। ये देखिए पौधों में कोई जान नहीं है। यहीं पे मैंने देखिए जेड प्लांट की मैंने ये देखिए बॉन्साई बनाया हुआ है ये देखिए, परंतु वो इसकी कंडीशन भी देखिए ठंड की वजह से कैसे कंडीशन हो रखी है। यहीं पे मैंने पीपल की बॉन्साई बनाया हुआ है तो इसके भी देखिए ठंड की वजह से सारे पत्ते निकल गए ये देखिए, और खाली मेरे पास ये डंडियाँ डंडियाँ रह गई हैं। अब ऐसा लगता कि कहीं ख़राब ही ना हो जाए, दोबारा से ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी, ये देखिए इस तरीके से हो गए। तो ऐसे ही पौधों की सारी कंडीशन हमारी हो रखी है। यहाँ पर देखिए टमाटर के पौधे मेरे इतने लगे हुए हैं, इतने सारे फूल निकल रहे हैं पर उसमें टमाटर बन नहीं रहे। और यहाँ पर ही हमारे बैंगन का लगा हुआ है तो बैंगन में भी फूल बनते हैं और फूल बन के एकदम निकालते हैं, देखिए कितनी सारी इसमें देखिए कलियाँ बनी हुई हैं पर वो इसमें फल नहीं बन रहा है, यानी कि बैंगन बैंगन कुछ नहीं बन रहा है।
फूल यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको, कितनी सारी मेरी हाइब्रिड गुड़हल है, ये कितनी कलियाँ बनी हुई हैं, परंतु ये खिल नहीं रही हैं। वही है कारण, सिर्फ एक है कि धूप नहीं है और पाला बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो ये इनकी कंडीशन हो रखी है। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो अब समाप्त करती हूँ। यही सब मैंने आपको दिखाना था कि मेरे पौधे किस तरीके के हो रखे हैं इस टाइम पे, और वीडियो क्या बनाऊँ। मुझे तो इस टाइम कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या अपने पौधों को दिखाऊँ और क्या मैं बताऊँ कि मेरी पौधों की कंडीशन इस तरीके की हो रखी है। और यहाँ पर मेरी कितनी मिट्टी कब से रखी हुई है, तो मैंने ग्रो बैग भरने हैं तो मैं वो भी नहीं भर पा रही। ठंड की वजह से मैं बाहर आना बहुत मुश्किल हो रखा है, और ग्रो बैग भरने में बहुत दो तीन घंटे लगते हैं ग्रो बैग को भरने में, क्योंकि एक ग्रो बैग नहीं, तीन चार ग्रो बैग मैंने भरना है। यहाँ पे मेरी ये देखिए कंटेनर पड़े हुए हैं जो मैंने भरने हैं, तो ये काम भी मैं नहीं कर पा रही हूँ ठंड की वजह से। चलो फिर इसके वजह से मैं अपनी वीडियो अब समाप्त करती हूँ। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें मेरी वीडियो को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कब मिलते हैं वो मैं आपको बताऊँगी नहीं, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा कि मौसम किस तरीके का, मैं वीडियो बना भी पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी। वैसे भी मेरी तबीयत आजकल बहुत ख़राब चल रही है, दो दिन ठीक रहती है और दो दिन फिर उसके बाद वैसे ही तबीयत ख़राब हो जाती है। तो चलो फिर मिलते हैं फिर, नमस्कार मेरी वीडियो देखने के लिए।